हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोनट। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं। बॉल में हम ईस्ट और गर्म दूध और बटर, ये तीनों डालकर 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, इसे हल्का मिक्स करेंगे और इसमें जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अपने हाथों से एक अच्छा सा डो बना लेंगे, मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से। डो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद हम इसे ओपन करेंगे और इस डो को फिर से हम एक बार अपने हाथों से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही फ्लफी हो जाता है, ये बहुत ही फूल गया आप देख रहे हैं इसे। तो इसे हम अपने हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल फूल गया है, इसका डोनट बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो हम एक बार इसे अपने हाथों से फेर लेते हैं। फेटना इसे बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसे फेटेंगे नहीं तो हमारा डो अच्छा नहीं बनेगा और वो टाइट हो जाएगा, डोनट भी हमारा टाइट हो जाएगा। इसलिए हम इसे 2-3 मिनट तक हम इसे अपने हाथों से अच्छे से फेट लेते हैं। उसके बाद हम इसे बेलेंगे और डोनट का शेप देंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा शेप हो जाएगा इससे। हम इसे
बेलना स्टार्ट करते हैं। हम इसे इतना मोटा रखेंगे जिससे हमारा डोनट जो है उसका शेप अच्छा है, कम से कम हाफ इंच होना चाहिए इसका थिकनेस जो है वो हाफ इंच का होना चाहिए। और फिर हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए आप कोई भी शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेपर हो, शेप कटर हो, या डोनट कटर हो, या फिर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप ग्लास से, कटोरे से, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। तो मैं भी डिफरेंट शेप देकर दिखा रही हूँ, कुछ करना है नहीं। एक ग्लास लेना है, ग्लास से कट करना है, और एक छोटा ढक्कन हो कोई भी चीज़ का उसे बीच में कट कर लेंगे तो वो एक डोनट का शेप आ जाएगा। तो इसी तरह से हम, आपके पास जो भी शेपर हो उसे आप शेप कर सकते हैं। हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए हम फ्लेम को लो रखेंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई रखते हैं तो इससे वो डोनट पकेगा नहीं और जल जाएगा, तो इसलिए हम फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। अब देखिएगा ये धीरे धीरे बहुत ही अच्छा शेप लेगा, फूल जाएगा, और जितना सॉफ्ट हमारा डोनट होगा उतना ही ये फूलना स्टार्ट करेगा और फटने लगेगा। हमारा डोनट जो है वो बहुत ही अच्छे से फूल रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे डोनट को फ्राई कर लेंगे जब तक वो एक कलर ना ले ले। तो सारे डोनट हमारे फ्राई हो रहे हैं, कोई भी शेप का डोनट हो हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये डोनट आप फ्राई कर चुके हैं, अब खाएंगे। आप इसे जैसे चाहे वैसे सजा लें। मैंने थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट किया है, चॉकलेट को रखूँगी, और मैंने थोड़ा सा क्रीम भी किया है मेल्ट। तो थोड़ा क्रीम से, थोड़ा चॉकलेट से, अगर आप चाहें तो आप इसे शुगर सिरप में डुबो सकते हैं और शुगर सिरप में डुबोने के बाद इसे खा सकते हैं। तो ये डोनट तैयार है, आप इसे जैसे शेप देना चाहते हैं, जैसे खाना चाहते हैं वैसे आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।